बट मैं आपको नारुतो की बात जरूर बता सकता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मन कर रहा वीडियो छोड़ दूँ। एक बड़ा सा बाइट भी है यहाँ, थोड़ी डालो ये चटनी। अये होय होय होय, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, क्या हाल है भाई सबके। भाई देखो, आज के मकबैंग में हम लोग ये देखने वाले हैं कि देहरादून के अंदर एक डिसेंट सस्ते रेस्टोरेंट में आपको 1000 रुपये में क्या क्या आइटम्स मिल जाते हैं और वो एक्चुअल में होते कैसे हैं। वहीं देहरादून के एक एक्सपेंसिव साइड के रेस्टोरेंट से भी खाना मंगाएंगे जो कि अपने टेस्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और देखते हैं कि वहाँ से 1000 रुपये में हमें क्या क्या आइटम्स मिल जाते हैं। दोनों को करेंगे कंपेयर और देखेंगे कि महंगा खाना बेटर होता है या फिर सस्ता खाना बेटर होता है। लेट्स फाइंड आउट। इतने सारे आइटम्स मिल जाते हैं आपको 1000 रुपये में देहरादून के अंदर एक डिसेंट अच्छे रेस्टोरेंट से। और भाई ये कुछ आइटम्स मिलते हैं आपको 1000 रुपये में देहरादून के अंदर एक एक्सपेंसिव साइड के रेस्टोरेंट में, थोड़े से कम है, बट लेट्स फाइंड आउट अंदर क्या क्या सामान है। तो भाई इतने सारे आइटम्स आपको मिल जाते हैं देहरादून के अंदर एक डिसेंट रेस्टोरेंट में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये में। 1000 रुपये में मतलब समझ लो, राजमा मसाला, पनीर भुर्जी, मिक्स वेज, पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, एक दाल तड़का, एक राइस, 3 बटर तंदूरी रोटी और 1 फुल अनकट बटर नान। यही आइटम्स इतने ज़्यादा थे कि एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के आइटम्स अभी तो नहीं हो सकते, तो पहले इनका टेस्ट रिव्यू करेंगे और फिर चलेंगे एक्सपेंसिव वाले। चलो भाई करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट अपनी परंपरा के साथ। चलो ट्राई करके देखते हैं भाई भरावंदा ढाबा का खाना। सबसे पहले राजमा से करते हैं स्टार्ट, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है भाई। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। मज़ा आ गया भरावंदा ढाबा, आपकी राजमा मेरी फेवरेट हो चुकी है। मैं कभी राजमा बाहर से ऑर्डर नहीं करता था, बट दिस इज़ द राजमा दैट आई वांट अगर मैं बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ। बेहतरीन। अब ज़रा पनीर भी ट्राई कर लेते हैं भाई फटाफट से। हाय हाय, सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर, ग्रेवी में करें टिप। भरावन भरवा दी हड्डी, भरवा शायद से भरवा प्रोनाउंसिएशन है। अल्टीमेट ट्राई कर लेते हैं जरा ये विंग की बटर तंदूरी रोटी। जितने लोग अग्री करते हैं कमेंट सेक्शन में अग्री लिखो जरा। दाल मखनी बटर नान के साथ नहीं, तंदूरी बटर रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। ओए ओए ओए, बोलते हैं ना कि शब्दों की कमी बढ़ गई, वो हो रहा है भाई मेरे साथ। लिटरली शब्दों की कमी बढ़ चुकी है, मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता इनमें। कमी छोड़ो, मतलब ये और ये तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगे। ये जो मेरे को थोड़ी सी फिर भी वैसी लगी ना कि हाँ मैं महंगे रेस्टोरेंट्स में भी जैसे खाता हूँ एग्जैक्ट वही टेस्ट आ रहा है, तो तब आप ट्राई करते हो कि चलो इसमें थोड़ी कमी निकाल दी जाए। नहीं निकल रही है भाई कमी। मोस्ट बिलवड आइटम ऑफ भानु भैया, भाई भानु भैया तो खुश हो जाएंगे खाकर। जस्ट वाओ, दाल की कंसिस्टेंसी वगैरह बहुत ऑसम है। ओए होए होए भाई, पनीर भुर्जी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दे रखी है यहाँ। देखो ज़रा अब अंदर अंदर से दिखाई देगी पनीर भुर्जी। अगर खाना सस्ता है इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी बेकार होगी। भौंक।
जस्ट वाओ। एक काम करता हूँ, एक सेकंड यार देखो, ऐसे ना कंपैरिजन हो नहीं पाएगा, हमें आमने सामने इनको उतारना ही पड़ेगा भैया। तो भाई दूसरा रेस्टोरेंट है ब्लैक पेपर, जहाँ से मैंने मंगा रखी है इनकी थाली। मतलब 1000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा जो जो आइटम आ जाए वो मंगा रखे हैं। तो सबसे पहले इनकी थाली, जिसमें सिमिलर आइटम्स हैं जो अपने सस्ते वाले रेस्टोरेंट से हमने मंगा रखे हैं। ये पता नहीं कोई स्वीट कॉर्न की सब्जी हो गई, ये पनीर बटर मसाला हो गया, ये अपनी दाल मखनी, राइस, 2 बटर तंदूरी रोटी, रायता, इसके नीचे है थोड़ा सा सैलेड, मूंग दाल या फिर पाइनएप्पल का हलवा, मेन्यू बाकी आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा अचार है। बाकी दूसरा मैंने मंगा रखा था इनका तंदूरी प्लेटर, जिसमें ये सारे के सारे आइटम्स हैं। देखो एग्जैक्ट नाम मेरे को नहीं पता, तो मैं किसी को भी दिखा के कुछ भी नाम उसको नहीं देना चाहता हूँ। आप आइटम्स देख लो, बाकी आप मेन्यू देख सकते हो। और ये हार्ट शेप के पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। यही 2 आइटम्स ऐड हो सकते थे 1000 से अंडर अपना ब्लैक पेपर में। थोड़े से पैसे बच रहे थे तो मैंने सोचा कि नानी मंगा देते हैं भाई। फुल अनकट बटर नान, इसकी शक्ल देखो और इसमें ज़रा लेयर्स देखो भैया। देखो जब तक ये हल्ला गुल्ला हो रहा है मैं खाना स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको नारुतो की बात ज़रूर बता सकता हूँ। बहुत लोग पूछ रहे थे कि नारुतो में आप कहाँ तक पहुँचे। भाई नारुतो मैं ख़त्म कर चुका हूँ यार, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतने सारे एपिसोड्स रेगुलरली देखने के बाद एक वो होता है ना, आपको आदत सी पड़ जाती है फिर उस रूटीन की, कि अच्छा मेरा ये काम हो गया, अब ये काम हो गया, अब इतना टाइम बचा है तो फिर एक एपिसोड देख लेता हूँ। वो ख़त्म हो गया यार। और मतलब जब शादी वाला जो भी एपिसोड था वो ख़त्म हुआ ना, और उसके बाद मतलब मैंने फिर एकदम से मतलब अब्रप्टली एंड होता है यार। मैंने फिर गूगल करा कितने एपिसोड हैं, देखा उतने ही एपिसोड हैं। मुझे बहुत बुरा लगा, क्या ही बताऊँ कैसा लगा। एक मतलब ऐसा लगा कि अपना पार्ट ऑफ रूटीन, एक पार्ट ऑफ फैमिली समझ लो, वो ख़त्म हो गया। वो कहानी ख़त्म हो गई सास्के, नारुतो, इताची, अपने लॉर्ड काकाशी। जब सोच रहा हूँ रुक जाएगा, नहीं रुक रहा है। मतलब बस मुझे यही लगा कि उसने साकुरा के लिए हिनाटा से कुछ भी गलत नहीं करा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा एनिमेटेड वेब सीरीज़ है, मज़ा आया देखने में। नेक्स्ट बहुत लोग मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं वन पीस। ये पता नहीं कौन सा स्टार्टर है ब्लैक पेपर का, ये तो बंद ही नहीं हो रहा भाई। दिक्कत सिर्फ ये है कि मेरा ईटिंग विंडो होता है, उस ईटिंग विंडो के बाद मेरे से ना तो कुछ खाया जाता है, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ चुकी है कि 1 meal a डे में 1 घंटे का या 1.5 घंटे का ईटिंग विंडो है। उससे ऊपर अगर रखोगे तो भैया मैं नहीं खाऊंगा कुछ। टाइम 5 बजने वाला है, 5 बजे ये सब हरकतें होती नहीं है। वैसे सुबह से गायब थे, अब आ रहे हैं। थोड़ी बहुत तो देखो किस्मत भी होती है, अलाइन है मेरे स्टार्स ऐसे कि तू मकबैंक स्टार्ट कर, हम यहाँ से मशीन बुला देंगे, तू बस खाना स्टार्ट कर, एक और मशीन ऑन करवा देंगे, तू कुछ भी कर, एक कॉल भी कर, डिलीवरी वाले को कॉल होगा किसी। पार्सल है भैया, बाहर खड़ा हूँ करके। थोड़ा सा भी रुक रहा है, एक बाइट खा लो। दाल मखनी ट्राई करते हैं, बट भाई देख लो कुछ ऐसी है, लेट्स सी। हेड ऑन कॉम्पिटिशन करते हैं। ब्लैक पेपर ने पता नहीं क्यों कर रखा है ऐसा, इन्होंने अरहर की दाल और ये मूंग की दाल मिक्स कर रखी है। ये देखो ये अपनी दाल मखनी वाली मूंग की दाल है और इसमें अरहर मिक्स है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रखा है। ऑथेंटिक दाल मखनी, ये पता नहीं क्या, बट टेस्ट बढ़िया हो रहा है। पनीर टिक्का बटर मसाला देख लो भाई, पनीर कुछ ऐसा है, लेट्स सी हाउ इट इज। एक बढ़िया तंदूर का टेस्ट आ रहा है, एक बार हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ब्लैक पेपर की टक्कर का मुझे कभी कोई रेस्टोरेंट लगा नहीं, बट आज भाई चीज़ें अलग हो रही हैं।
मन कर रहा वीडियो छोड़ दूँ। पूछ के आता ही मुझे नहीं लग रहा वीडियो कंप्लीट हो पाएगा मेरा आज। अगर ये दोबारा स्टार्ट होता है वैसे ही तीव्रता से तो अभी रोक देंगे, बाद में करेंगे। बाद में मिलते हैं भाई, मैं आ रहा हूँ 15-20 मिनट बाद। उन्होंने बोला था कि आधा घंटा और चलेगा काम, लेकिन फिर उसके बाद मशीन नहीं चल रही होंगी, तो हो सकता है दोबारा से स्टार्ट हो जाए। बट हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें भाई। ये कोई मशरूम का आइटम है, इसको करते हैं ज़रा हरी चटनी में डिप। शायद से मिक्स वेज का नाम दे रखा है। इसमें अपना स्वीट कॉर्न है, बीन्स हैं, मटर है। ठीक है, वहीं अगर हम इधर की मिक्स वेज की बात करें तो फिर भाई इसमें गाजर भी है, बीन्स भी है, मटर भी है, गोभी भी है, पनीर भी है, एक बड़ा सा पाइड भी है। बट डेफिनेटली ज़्यादा बढ़िया और ऑथेंटिक ये सारे आइटम्स हो रहे हैं। ब्लैक पेपर ने जितने आइटम्स भेज रखे हैं ना, ये थोड़े थोड़े फैंसी वर्जन है अपने ऑथेंटिक खाने के। इनके मेन्यू में लिखा हुआ था कि पाइनएप्पल का रायता मिलेगा, बट ये नॉर्मल रायता है जीरे वाला, विच इज़ नाइस। बट जो आपने क्लेम करा है वो चीज़ नहीं है। वो इधर मैं ब्लैक पेपर से थोड़ा सा खपा हूँ, लेकिन भरवा दी हट्टी। वाओ, इसका राइस देखो, थोड़ा सा छोटा चावल है, मतलब सस्ता वाला। इसमें और डालो राजमा, थोड़ी डालो ये चटनी। अए होए होए होए, मेरे जिम वाले भैया ओनर अगर मेरे वीडियोस देखते होंगे, आई एम नॉट श्योर, बट अगर देखते होंगे तो सर पकड़ते होंगे अपना कि मैं इस पर इतनी मेहनत क्यों करता हूँ। पनीर, देखो थोड़ा सा आज आप परिस्थितियों का वो बोल सकते हो, सामान ठंडा हो चुका है और इतने सारे आइटम्स हैं ना कि मैं गर्म भी नहीं कर सकता सब कुछ। मतलब मान लो अगर खाना है 10 तो मेरे को 8 लग रहा है ब्लैक पेपर का, लेकिन इसका मेरे को अभी भी 9-9.5 लग रहा है। मैं कोई सा भी आइटम खा लूँ। पीली दाल, ओए दाल तड़का। बेहतरीन, मज़ा आ गया भाई। बीच में वो जो टाइम गैप हुआ है ना, और 1.5 घंटे का टाइम पीरियड होता है मेरे पे, उसके बाद अगर हो जाए तो फिर नहीं हो पाता मेरे से। फीलिंग ऑफ फुलनेस हो चुकी है, सेशिएट में हो चुका हूँ, अब खाऊंगा तो टेस्ट नहीं आएगा। ये भरावन द ढाबा या भरवा द ढाबा, आज की वीडियो का अल्टीमेट विनर यही है भाई। ब्लैक पेपर भी अच्छा था, बट आप खुद ही देखो यार, एक थाली 2 जने खा सकते हैं 1000 रुपये में ब्लैक पेपर में। यहाँ देख लो, मतलब एंडलेस 10 आइटम्स आए हैं ये टोटल, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया था। क्वालिटी भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि तेल गंदा यूज़ किया है ऐसा कुछ, या कुछ ज़्यादा ही तेल यूज़ करा है, हर एक चीज़ ऑन पॉइंट थी। तो मेरे हिसाब से अल्टीमेट विनर अपना भरवा द ढाबा है भाई। देखो ये बाकी जितना भी खाना बचा है, नवरात्रि चल रहे हैं, घर वाले मेरे प्याज लहसुन वाला खाना खाते नहीं है, तो इन सारे आइटम्स में से जितने भी झूठे नहीं किए गए आइटम्स हैं वो सारे के सारे गरीबों में बांट दिए जाएंगे, और बाकी जितने भी आइटम्स हैं जो मेरे झूठे हो चुके हैं
अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आइटम्स हम गाय माता को खिला देंगे, अपने भूरी वगैरह मतलब सबको खिला देंगे, कुछ भी आइटम वेस्ट नहीं जाने वाला है, कुछ भी आइटम डस्टबिन में नहीं फेंका जाएगा। सालों से यही होता आ रहा है और आगे भी यही होता रहेगा, एक भी आइटम डस्टबिन में नहीं जाएगा, नो मैटर व्हाट। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का मकबैंग, आज का ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।